जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस चैनल के माध्यम से श्री राम की कथाओं का आनंद ले रहे होंगे। आइए आगे की कथा सुनते हैं। पंचवटी में बहुत सारे आश्रमों में कई ऋषि रहते थे। वहां पर रहने वाले राक्षस उन्हें सदा परेशान किया करते थे, समय समय पर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला तो दोनों उन राक्षसों से ऋषियों का बचाव करने लगे। उन्हीं ऋषियों में से एक ज्ञानी ऋषि अगस्त्य भी थे। वे अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ वहीं रहते थे। एक बार अगस्त्य ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तब राक्षसों ने विघ्न डालना प्रारंभ किया। राम ने राक्षसों से यज्ञ को बचा दिया, जिससे ऋषि अगस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम की सराहना की और आभार स्वरूप उन्हें एक धनुष उपहार में दिया। उस धनुष को स्वयं विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान के लिए बनाया था। राम को आभास भी नहीं था कि अति शीघ्र उन्हें युद्ध के लिए इस धनुष की आवश्यकता आ पड़ेगी। एक दिन दंडक वन में घूमते समय राम की मुलाकात एक बहुत बड़े वृद्ध गिद्ध से हुई। उनका नाम जटायु था। वह राजा दशरथ का मित्र था। जटायु ने अपने विशाल पंखों को धीरे से फैलाया। राम ने देखा और राम को देखकर वह तुरंत पहचान गया। उसे राम से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। उसने बताया कि बिना उनकी जानकारी के वह कुछ समय से बराबर उन तीनों पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे। राम को सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि वन राक्षसों और जंगली जानवरों से भरपूर है, वह सीता को अकेला छोड़कर शिकार पर न जाया करे। उसने राम को वचन दिया कि वह सदा सीता पर अपनी दृष्टि रखेंगे और हर संभव प्रयास कर उनकी रक्षा करेंगे। एक दिन घूमते हुए शूर्पणखा नाम की राक्षसी पंचवटी में आई। उसने अयोध्या के राजकुमार को देखा। राम उसे इतना भा गए कि वह उनसे विवाह करने की इच्छुक होती। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वह उस कुटिया के पास गई, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। अभिवादन कर वह राम के पास गई, उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया और अपनी पत्नी सीता को दिखाया, कहा कि वह पहले से ही विवाहित है। उन्होंने ठिठोली की और कहा, उनके भाई की पत्नी यह नहीं है, वह भाई के पास प्रस्ताव लेकर जाए। लक्ष्मण भी उसकी बात सुनकर उस पर हंसे और कहा कि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, किसी अन्य स्त्री में उन्हें कोई रुचि नहीं है। विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने से शूर्पणखा क्रोधित हो उठी और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता पर हमला करना चाहा। लक्ष्मण ने तुरंत आगे बढ़कर सीता का बचाव किया और अपनी तलवार निकालकर उसके नाक और कान काट डाले। शूर्पणखा लंका राज रावण की इकलौती बहन थी। लक्ष्मण के प्रहार से शूर्पणखा छटपटा गई। गुस्से में, दर्द से शूर्पणखा ने हर हाल में इसका बदला लेने का प्रण किया। वह रोती हुई जंगल की ओर भागी। जंगल में उसके दो भाई खर और दूषण रहते थे। शूर्पणखा ने उनसे सहायता की गुहार की। अपनी बहन की गुहार सुनकर वे भी तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत अपनी सेना एकत्र की और राम और लक्ष्मण से युद्ध करने निकल पड़े। राम भी युद्ध के लिए तैयार ही थे। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ा और स्वयं उस राक्षस दल का मुकाबला किया। घनघोर युद्ध हुआ। विष्णु भगवान के धनुष से उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी और खर दूषण को सेना सहित धाराशायी कर दिया। सभी मिलकर बोलिए जय श्री राम।